हेलो। फोन कर रहे थे। ओ सुनो, अच्छा से समझा दे मेरे को, बार बार तंग मत कीजिए। सुनिए, ऐसे है ना, वहाँ के कोई हम अच्छा से क्लियर बता दे रहे हैं ना, किसी को बताइएगा नहीं। एक क्या नाम है ना, जो हम लोग वहाँ कागज पत्थर वाला कोई झमेला था, मतलब झमेला कुछ नहीं था, जो गेहूं आता था ना, तो मतलब पत्रकार है ना, कुछ कुछ भड़का दिया कहीं कहीं, तो मतलब गेहूं का कुछ हो गया, तो इसके पापा के पास तो एक आदमी तो रहना चाहिए ना भाई। अकेला आदमी कैसे रहेगा, उनको आंख से नहीं दिखता है और नहीं है। तो मेरा जेठ का यही कहना, उसके साथ इसके पापा के साथ है, वो लोग कहीं रूम लेके, अच्छा आदमी है वहाँ, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें वो लोग दोनों जना रह रहा है, समझ गए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं आप। नहीं, कहाँ पर ही इतना नेचार नहीं पूछिए, आपका आदमी सॉलिड देंगे, समझ गए ना, इतना खाइए मत मेरे को। अरे अगली पूछिएगा अगली बार, उससे 5 साल पहले अश्विनी आएगा ना, तो बताए पूछेगा, मेरा स्टाफ यहाँ का रहता था, यहाँ का आदिपुर का। अगली बार भी हम लोग साथ, 5 साल पहले भी थोड़ा तकलीफ हुआ था ऐसे गेहूं के बारे में, झूठ मूठ गेहूं का शैम्पू ले गया था ऐसे जमेला। फिर एक हफ्ता इसके पापा उधर ही मतलब प्लांट की तरफ ही साइड में कहीं बिल्डिंग में रहा था, एक हफ्ता उसके साथ स्टाफ रहा था। तब तो भाई मेरा बेटा था, उसके कपड़ा उपड़ा ले जाते थे, नहा धुआ के नहा लेते थे, कपड़ा गंदा रात को ले आते थे। फोन भी तो ऑफ नहीं कर सकते ना, फोन ऑफ करने तक, जब तक गई मेरा बेटा चालू था, तो उसको रात को मिल मुला के आ जाते थे, सब बात बात कर लेते थे, फोन एकदम ऑफ नहीं कर सकता है। ये आपको यहाँ मुखिया कहा, यहाँ मत खाइए मेरे को, है ना, जो भी है मैं सही बोल रहे, आपका आदमी सोलिड देगा, आप काम करेगा, नहीं कर अपना घर में आदमी को रखिएगा, हम लोग को घनी व्यवस्था है, इतना खाइए मत, कहाँ 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 मत करिए। इतना आदमी क्लियर बोल दिया, उसको भी तो दुख है, अगला को कितना मतलब 3 4 दिन छुपके से रहना पड़ेगा, नहीं फालतू आपस फैला देगा कोई। नहीं, मेरा बोलने का मतलब नहीं अरे बोला। ऐसे मत करिए मेरे को, इतना खा रहा, मेरा जेठ बोला, बोले मार के भगाइए ऐसा लोग को, आप लोगों से रख रहा, तेरा जीव नाखुद हो रहा है भाई, इतनी तेरे को खा रही है, इतनी भी पागल है क्या, बोले गवा रहे क्या, इतना इतना मेरे को, मेरा जेठ मेरे को डांट रहा है, बोले इतनी पागल है, बोलता अरे इतना इशारा में भी समझा दिया तो बहुत है, कल ना उसी को आदमी को मार देगा तब। नहीं अरे करेगा, इतना हम बोला था। सिप्रे हम बोले, आप इतना समझ जाए इशारा में भी, क्योंकि वो लोग 3 4 दिन छुप कर ही रहना पड़ेगा, इसलिए मेरा जेठ ऐसा बोला, कोई 3 4 दिन बाद कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि हाँ, तो 3 4 दिन वो लोग किसी के अंडर में क्योंकि है, क्यों है, वो लोग किसी के अंडर में है कि अपने से वो लोग। अंदर में अंदर अंदर कुछ नहीं, भगवान जी सब सोलित है, अलग से कोई, हाँ हम लोग का रिश्तेदार है, रिश्तेदार का घर में वो लोग रह रहा है, मेरे को भी पता नहीं, मैं भी सारे दिन झूल रही झूल रही, मैं गदर 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 करी, फिर रात को 10 बजे मेरे को अच्छा से समझाया तो मैं समझी, फिर मैं आपको ऐसे फोन की थी, पर आप गदर गदर कहाँ है ये मत कहिए, और ऐसे थोड़ी ना होता, आपका आदमी सोलिड देंगे, आपको अच्छा है तो रखिएगा, नहीं तो कोई दरकार नहीं, बाबा भगवान बहुत 56 आदमी मिल जाएगा यहाँ, हाँ, मेरा तो हम जी ये तो कुछ पूछना बोला। चाहते हैं कि वो कब तक आएंगे। अब हम इतना भगवान नहीं करता, 3 मेरा जेठ का कहना है तुम चुपचाप से रहो 3 दिन, बोलता है कोई किसी को भड़क मत देना, जो सीधा बोले जयपुर गया है, सीधा बोले जयपुर गया है, जिसको भी बोलना अच्छा ठीक है, इतना मेरे को आप जो बोल रहे थे कि सुबह को 9 बजे आए, आपका भाई को भेज दीजिएगा। हाँ तो मेरे को, मैं भगवान क्या, हम तो यही, हम तो खुद यही कोशिश में जी भाई, क्या बात है कि मेरे को क्लियर रहो, तो मैं हर बात, हाँ बाबू ऐसा ऐसा बात, मेरे को क्लियर रहो देता सुबह सुबह, तो आपका झमेला में नहीं रहता, आपका शांति रहता, फिर मन में शांति, हाँ भाई अगला सही जगह, हमको सही ढंग का रहो बड़ा तुम ना, वही चीज कोई हम भी पूछ बात रहे है, हैं। तो ये लोग को जैसे जाना हम है, जैसे जाना है फोटो वोटो जैसे लेके कि नहीं जाना है। नहीं जैसे आदमी, हाँ हम लोग को भी आपसे डबल मेरे को चिंता, आपको क्या, आपको तो बच्चा लोग, आपको तो माँ बाप पास में, मैं तो माँ बाप बाबा कोई नहीं, ना मेरा भाई मेरे को कभी साथ देता है, ना मेरा जेठ देवर साथ देता है, ना मेरे को, हम तो अपना मेरे भगवान के भरोसे जीती हूँ, हम लोग तो इतना 30 साल हो गई, गलत बात है ना, इतना खाना कहाँ है क्या है, नहीं कीजिए, अरे बेचारी इतनी परेशान है, उसका घर में कोई नहीं है, अरे उसको जिम्मेदारी है, कल ना मेरा आदमी को कुछ हो जाएगा तो, अरे कोई भी आज कार्तिक घर गया होता नहीं, कार्तिक को इसके पापा लेके जाता है, वो बोल रहा मेरा क्या नाम है, मेरा जेठ बोलता आपका छोटा वाला नौकर को लेके जाता, अपन क्या करे उसके साथ वो ही था, तो इसीलिए उसको ले गया, उसको आंख से दिखता नहीं है, वैसे बेटा गुजराने के बाद उसका कायजा उठा हुआ है, इसीलिए अश्विनी को साथ में ले लिया, अगली बार तो गोपाल था, एक हफ्ता उनके साथ,
अरे गलत बात है, जैसे कहाँ है कहे, अरे थोड़ी ना आप तो उल्टा उल्टा सोच रहे थे कल। भगवान के सब शांति रखो, जिसका मन शांत, जिसका मन देखिए अच्छा ना भगवान। उल्टा नहीं उल्टा एक सुनिए, बात नहीं मेरे सुनिए बात बात, आप पहले सुनिए। देखिए अगर किसी का घर का कोई इंसान अचानक से गायब हो जाएगा, फोन नहीं लगेगा, तो उसका मन क्या शांत रहेगा? नहीं शांत तो आपसे ज्यादा डबल मेरे को गाला में। हम 5 बजे सारी रात नहीं, अगर आप लोगों को पूरा जानकारी है तो उस चीज के मेरे को जानकारी अगर हमको पहले ही दे देते तो सुन हम ऐसा नहीं बोलते आपको। हमको इतना दूर करने का क्या जरूरत था? अगर आप लोगों को नहीं सब जानकारी है कि वो लोग कहाँ है क्या सुनिए, है। मेरे को कुछ जानकारी नहीं। जानकारी होती तो मैं इतना सारा दिन परेशान रहती। हम जगह जगह चली गई, मैं जगह जगह बात कर ली, तो आदमी से इसके मेरा जेठ इतना डांट रहा, तुम पागल है क्या? मैं इतना भी बोलूँ, मेरे को आप क्लियर हो, मेरे कहाँ गए, काम से गए, काम से गए, अरे काम से गया तो मेरे फोन तो लगाना चाहिए ना, किसी का भी फोन लेके मेरे से बात कर रहे। हाँ वही चीज बोल रहे, काम से गए तो एक बार मेरे से बात हो जाता तो क्लियर हो जाता, हम भी कुछ नहीं सोचते। हाँ बस मैं भी यही बोली लोगों, अरे आप ये अंधेरा में क्या रख रहे हैं, गुड़ा गुड़ा गुड़ा, काम से गए काम से गए। हम बोली मेरे को क्लियर तो बता दो। हाँ भाई इस काम से तुम सपना चिंता मत करना, और उसकी तेरी स्टाफ की और कोई बोल देना तो मैं शांत हो जाती। यही तो बात है, वही जानकारी अगर हमको भी रहता तो हम भी वैसे नहीं करते। अगर हमको पता हाँ रहता कि आप लोगों को जानकारी है कि हाँ वो लोग सही सलामत है। बस अगर आप ही सोचिए, आप मेरे को इतना खा रहे हैं, वो कार्तिक को इतना खा रहे, अच्छी चीज है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोग को है। मेरे को भी पता नहीं, मैं कॉल को पूछी, मैं भाभी मामू को, भाभी हम कल खाना में जाऊंगी, मैं तो बोली रात को जब आप आपसे पहला फोन करने के पहला उसको मेरे दिखाने देखिए को। सोचने वाला बात तो है, मेरा भी 2 बच्चा है। हाँ तो हम भी तो सोचेंगे भाई मेरे हस्बैंड का नंबर नहीं लग रहा है, बात नहीं हो रहा है 2 दिन से, क्या हमको चिंता नहीं है? हाँ, आपसे डबल मेरे को चिंता है दोनों आदमी का, क्योंकि बहुत ज्यादा असल में मेरे को गोल गोल ऐसे बोल दे। हाँ जी ऐसा बात है, मैं कि मैं शांत रहती ना, कहीं फोन फान करती ना कुछ करती, आपको भी समझा देती, तो आदमी को क्या दुख, मतलब अपन निश्चिंत से रहते ना, सारी रात जग पड़े ना कुछ पड़े, घाला मेल ही लग जाए। भाई क्या है, अरे क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए आप जो भी है कार्ती पार्टी को फोन मत कीजिए एकदम, या मेरे जेठ बोला या तो कल या परसों तक आएंगे, नहीं तो देख लेंगे हम जैसे भी है उनको, पर फोन फान वो लोग एकदम चालू नहीं गए। जो बात हुआ तो हल्का सा मेरे जेठ से कल सुबह ही हुआ था, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं बताता मेरा बच्चा जाने के बाद, क्योंकि मेरा मेरा कमजोर, मेरा दिल बहुत कमजोर है। हम तो यहाँ थोड़ी, हम तो ऊपर में 5 तल्ला किसी के घर में हम रहे थे कल रात को, है ना। इसका मतलब आपके जेठ को पता है उनका कहाँ है हाँ क्या है? पता है तब ना मेरे को बोला, क्योंकि और मेरे जेठ बोला तुम है ना किसी गार्ड को भी बोल देना कोई आएगा तो नहीं, वो लोग बाहर गया हुआ है, और आपको जो भाई भूई को है ना उसको बोल देना नहीं वो लोग जयपुर गया हुआ है, ऐसे बोल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, वो तो हम बोल देंगे, लेकिन आप जो कल बुलाए थे फोटो वोटो लेके, तो जाना है कि नहीं जाना है? रे बाप आप पागल है, मैं बोलती अभी मेरे से बात हो गया उनसे, मेरे को तो पता ही नहीं था तो मैं आपको बकी। हाँ, आप तो हम हट तो जाना, लगता तो नहीं करना। हम नहीं, हम तो बोलते आप गंवार है इसलिए इतना बकते हैं। मेरा 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 प्रेशर हाई हो रहा है आपको दिमाग में। अभी मेरे को कार्तिक फोन किया, बोलते आंटी आप उसको समझाइए, वो समझती ही नहीं है। मेरा फोन इतना करके जी, आपको बोला हाँ क्या मेरा बोला? जानते उससे तो मेरा बात ही नहीं हुआ है। नहीं, फिर भी थोड़ा देर के लिए है ना, अरे मेरा प्रेशर, मेरा जेठ इतना डांट रहा, तुम किसी का फोन, तुम तेरा फोन को स्विच ऑफ कर दो, ऐसे बोला। मेरा मेरे को डॉक्टर को भी कौन लेके जाएगा, मेरा इतना प्रेशर, मेरा शुगर रहता है, मेरा प्रेशर हाई रहता है, कौन लेके जाएगा मेरे को बताओ। आप इतना खा रहे, आप इस सारा में समझ जाइए, अगला वो जो भी कोई पूछेगा नहीं नहीं वो लोग जयपुर गया हुआ है, बस ऐसे बोल दीजिए। वहां पे कितना जल तोड़ा कागज पत्र पत्रकार, बस खाली इधर उधर भड़का दिया, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा सा पैसा खा लिए, खा लेगा और बात खत्म। कमाना तो खाना तो है, कुछ भी नहीं है। एक बार 5 साल पहले तो अब की बात है, कुछ नहीं, अगली बार तो यहाँ पे दुकान में 25 से 25 पुलिस आ गई थी हम लोग, जहाँ आदिपुर में दुकान थी 5 साल पहले, तो 25 से 25 पुलिस, तभी हम लोग नहीं डरे, भगवान की सब शांति, कुछ भी नहीं हुआ। खाली एक हफ्ता इसके पापा बाहर रहे थे, उसके साथ मेरा गोपाल रहा था, मतलब स्टाफ है आपका जैसा ही, दो बेटा बेटी था उसके भी, समझ गए ना। इतना ये मत कीजिए, बस बात को खत्म कर दीजिएगा, और आपका आदमी या कल या परसों तक तो वो लोग आ जाएगा, क्योंकि सेफ है, वो लोग का खर्चा नहीं लग रहा है उसके पापा का, दुनिया भर का किधर किधर वो लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं।
आप एकदम सेफ रीजिए, मतलब कोई भी कोई पूछेगा ना आपको, भाई नहीं वो लोग जयपुर गया है, मतलब आपको कैसे पता, हमसे बात हुआ आसमान। वही तो बात है ना, मेरी छोटी बेटी भी नहीं खा रही है कुछ, चलो दोनों भाई बहन खाना पीना। अब उतना हमको पता नहीं बाबा, आप लोगों का नहीं कटा था मेरा तो, मैं तो हम तो उसको बुलाऊंगी डॉक्टर को जाएंगे भाई, अब तो मेरे को तो पता नहीं भाई। अरे मेरे को खाइएगा मत, सबको बोल दीजिएगा वो लोग जयपुर गया हुआ, अब मेरे को खाइएगा मत, हम बोल दिए मेरा शरीर ठीक नहीं है। कार्तिक भी बोल रहा है भाई, मेरे को मतलब कितना पर फोन कर रही है, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरे हस्बैंड सही सलामत आ जाएं, हम वही चाहते हैं भगवान एकदम सही सलामत है। अरे हम भी भय खा रहे थे भाई, रास्ते में कोई पकड़ लिया कहीं हो, मेरा जीवन, मेरे को भी बहुत घड़ा मेरी लग रही थी, जब तक तो कोई पता नहीं था कोई चीज का, ये भाई 8 साल से आ रहा जा रहा, रात को आधी रात का, ऐसे भगवान की जैसे कोई नहीं, हम लोग तो सबसे प्रेम रखते हैं। वो पत्रकार बहुत खतरनाक है, वो इतना हरामी है ना, ये बस हर चीज से इधर उधर भड़का के ऐसे कर दिया वो, वैसे कुछ नहीं है, वो तो भगवान के साथ चल जाएगा, ऐसे हम लोग पास बड़ा बड़ा आदमी है सब चलवा देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, 10-20 का पैसा ही तो खाएगा और क्या कर लेगा, कमाएंगे तो शरीर है। यहाँ पे दुकान वाला तो अभी भी वो केस चल रहा है 6 साल हो गए, कुछ नहीं होता है, बस जाके बस हो जाता हाजिर, ऐसे ही चलता रहता है। असली आदमी को कुछ नहीं होता, हम लोग ईमानदार है इसलिए कुछ नहीं होता है, भगवान की दया, सब सुख शांति बनाए रखो, समझिए ना आप, ठीक है आप एकदम जाएंगे। हाँ वो हो सके तो मेरा केस बोलो, हो सके कल तक तेरे पहुँच जाएगा, पर वो अभी वो लोग बाहर नहीं निकलेगा उतना, ठीक अपना सेफ रखिएगा, आपको तो बुद्धि नहीं है हर चीज का, जैसे भी कोई चीज का आप अपना आदमी को भी सेफ रखना, हो सके उसको प्लांट की तरफ ही रखना भी अच्छा है 1 हफ्ता, क्योंकि अभी सारा आदमी का फोटो खींचा हुआ है जितना भी आदमी है, यहाँ हम लोग का आदिपुर में तो इतना झमेला, आदमी कमा खा नहीं पा रहा कोई भी आजकल इतना, क्योंकि अभी कमाई तो है नहीं और झूठ मूठ का बदमाशी है सारे, सब चीज दुकान धंधा सबका बंद पड़ा हुआ है, इसलिए आदमी टूटा फूटी हो रहा है, यही चीज हो रहा है बस अभी। अब पहला काम दमाई अच्छा था तो ऐसा कोई झमेला नहीं करता था छोटे छोटे कामों के लिए, तो अभी आजकल पेट के लिए सब कुछ कर रहा है, आप ऐसे ले ला 10 रुपया, आप ऐसे ले ला 10 रुपया, यही हो रहा है। जैसे भगवान की जैसे हम लोग पास स्टाफ का कमी नहीं, मेरा जेठ तो कितना बोलता, फिर मेरा हम लोग वहाँ का मंगाना नहीं चाहते, चलो अपना ही यहीं ठीक रहेगा, वहाँ का 50 आदमी इकट्ठा हो जाएगा तुरंत यहाँ काम के लिए, मेरा जेठ का फैक्ट्री है खूब बड़ा, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग अपना बेटा से बदतर अश्विनी को मानते, आपको फिर भी अक्कल नहीं, वो लोग बेचारा लोग कितना अच्छा आदमी है, इतना उसको मैं छोटा सा ड्राइवर का चलते कितना अच्छा उसको बड़ा आदमी हम लोग बना दिया, भाई भगवान तुम अच्छा सर हो, और भी हम लोग आगे भी उसके लिए इतना सोचिए, बाबू आप मिलकर बहुत अच्छे से अच्छा काम करेंगे, तेरा भी बाल बच्चा का बढ़िया पालन पोषण है, मेरा भी पालन पोषण है, इतना इतना सोचिए अश्विनी के बारे में हम लोग ऊंचा जाने के लिए। वो तो अलग बात है, देखिए नहीं 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 आता है तो टेंशन तो हमको होगा ही भाई, नहीं नहीं वो बस वो बात को वो मेटर को खत्म कर दीजिए, एक बात की बात है बस, वो है सब आपसे डबल मेरे को सारी रात पागल जैसा पूछेगा कार्तिक को, कार्तिक की कौन वो लड़की रहती है, उसका नंबर मिला 12 बजे फोन किए तो पूछेगा, अगर मेरे को थोड़ा सा भी भड़क होता तो मैं सारी रात पागल जैसा किसी को फोन करती थी, करती आपको आइडिया नहीं, उनसे ज्यादा उसको भड़क ही नहीं, बेचारी को कोई चीज का पता ही नहीं तो क्या है, इसलिए तो हम आज आजकल बोले फोटो वोटो लेके आ जाएगा फलान लेकर, अरे उसको बिचारी को पता ही नहीं कोई चीज का, तब ना वो इतना बोल दे, अगर पता होता तो सारी बात को क्लियर कर देती, आपसे आपसे मतलब आपसे और किसी से छिपाना, क्योंकि आपसे छिपाएंगे कैसे, आपका भी आदमी मेरा भी आदमी है, प्लस क्योंकि आप जितना दुख जानोगे जितना मैं भी दुख जानूंगी है, नहीं क्योंकि आप दोनों में ही रहना चाहिए, बाल बच्चा कोई मत बताइए कोई नहीं, वो लोग आए ना वो लोग जयपुर गया हुआ, उसका कुछ काम था उनको जेठ का, तो पापा को साथ में ले गया, फोन पान वहाँ चालू नहीं होता, अच्छा बाल बच्चा को आप अच्छे से समझा के रखिएगा, मेरे डॉक्टर को दिखाएगा सबकी आएंगे तो हम आपकी बेटी से बात करेंगे, बापू पापा जयपुर गया तेरे लिए बहुत सुंदर कपड़ा लेके आएंगे, और बोलेंगे ऐसे बाबू को, हम लोग तो अश्विनी के बारे में इतना सोचे हैं भाई, चलो हम लोग कुछ काम धंधा बढ़ाएंगे, अश्विनी को भी सिर में रखेंगे, इसका भी बेटा बाल बच्चा का थोड़ा पालन पोषण बढ़िया हो जाएगा, चलो अपनी बेटी का अच्छे से धूमधाम से ब्याह शादी कर ले, हम लोग इतना सोचिए अश्विनी के, क्योंकि तो आप अपना मन में रखिए, हम लोग कार्तिक के बारे में उतना नहीं सोचते, समझ गए, नहीं आप अपना मन में रखिए, कभी भाषण मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग उसी गाँव की है, अरे क्योंकि हम लोग मन के बहुत साफ है,
हम लोग काशी के बारे में 1% भी नहीं सोचते, क्योंकि उस पर तो जमीन जायदाद बहुत है और बेचारा अश्विनी के पास कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। जो असली तो बात नहीं नहीं दीदी आप नहीं दीदी आज हमें हम असली बात बता दी कि पापा इतना सोचते हैं बस काशी के पास दुनिया का जमीन जायदाद बाप का जमीन भी मतलब बहुत चीज है अभी तरह काशी के पास अश्विनी के पास तो एक बिलान जमीन भी नहीं है बेचारा तो कैसे अपना जिंदगी चलाता है बाल बच्चा को कैसे पढ़ाता है हम ही जानते इसके पापा मन को इतना बताते हम नहीं जानते वो बात क्या है क्या नहीं है। इसके पापा इतना सोचते हैं अश्विनी के बारे में बोलते है बेचारा इसके पास हो तो इसका तो ऐसे भाई लोग सब अच्छा अच्छा कमा रहा खा रहा पर भाई लोग इसको बेचारा को कभी साथ भी नहीं देता है। अब पता नहीं बात सही है गलत हम नहीं जानते है कि नहीं बताओ बोलो। हाँ ठीक है लेकिन वही हम बोल रहे हैं बस हमको सही सलामत वापस ये जाना चाहिए। इतना इतना सोचे हैं अश्विनी के बारे में हम लोगों ने अश्विनी का बोझ सबसे अच्छा से अच्छा करेंगे एकदम अगर वो ढंग से रहेगा तो नहीं तो और हम हम लोग जयपुर से बुलाएंगे आदमी को। हाँ तो भाई हम लोग तो ऐसा जानकारी हमको भी नहीं था अभी आप बता रहे तो हम तो ऐसे से बोला हम लोग है ना अश्विनी को बोलते उसको अश्विनी को एकदम बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे क्योंकि कार्तिक के पास तो कुछ जमीन ज्यादा है और बेचारा अश्विनी के पास कुछ है नहीं बेचारा के पास वो तो खाली 5 रुपया कमाता है उसमें बाल बच्चा की पढ़ाई में लगा देता है। अच्छा ठीक है चलिए रखते हैं हम देखते हैं उसको बोल देना आपको भाई हुई को किसी को ठीक है क्या ठीक है हाँ कैसे करना पड़ेगा ठीक है।